हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईशिका सिंह। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ गिव्स वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए कलर थेरेपी लेकर आई हूँ कि अगर किसी को भी दांत में दर्द हो रहा हो, किसी को टीथ में प्रॉब्लम हो, बहुत टीथ की जो पेन है वो बहुत कहा जाता है ना कि पेन कहीं भी हो, चाहे वो स्टमक से रिलेटेड पेन हो या आपके टीथ से रिलेटेड पेन हो, हेडेक हो या आपके बॉडी में कहीं पर भी पेन हो, तो वो बहुत तकलीफ देती है। तो जब आपके अगर टीथ में कहीं पेन हो, आपके ऊपर की कहीं पर भी टीथ में या नीचे के टीथ में आपको कहीं पर भी पेन हो रहा हो जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हो, तो आज मैं आपके लिए उसके लिए बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका जिसके करने से आपके दांत के दर्द में बहुत जल्दी आराम आपको मिल जाएगा। और उसके लिए आपको कोई बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं बहुत ही घर का ही कुछ ऐसे घर की ही रेमेडी बताऊंगी जिसके थ्रू आप करके आप अपने दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली एक चाहिए एक ब्लैक कलर का स्केच पेन, वो कोई भी आप स्केच पेन ले सकते हो और आपको कोई भी शॉप में स्टेशनरी शॉप में आपको स्केच पेन आसानी से मिल जाएगी। तो आपको ब्लैक कलर के सिंपल से स्केच पेन चाहिए। ओके, तो आपको करना क्या है, अगर आपके दांत में दर्द हो रहा हो तो सिंपली आपको क्या करना है, एक ब्लैक स्केच पेन लेना है जैसा कि मैंने कहा आपको, और मैं आपको करके बता रही हूँ कि आपको करना क्या है उसके स्केच पेन से। मैं आपको जैसा यहाँ बताऊंगी आपको जस्ट वैसा ही यहाँ पर कर देना है जिससे कि आपके दांत के दर्द में आपको आराम मिल सके। देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है मेरे यहाँ पर अंगूठे के मैंने जो तीन साइड है उसमें मैंने ब्लैक स्केच पेन से उसे कवर किया है। साइड से नाखून के जो हमारे जो नेल्स होते हैं उनके साइड से मैंने इसे ब्लैक स्केच पेन से किया है। तो ये आपको अपने दोनों थंब पे करना है, आपको अपने ये दोनों थंब पे आपको ये अपने दोनों थंब पे करना है। ओके, दोनों थंब पे करना है आपको। जस्ट ब्लैक स्केच पेन लेना है और उसे यहाँ से अपने नेल्स के जो साइड से हैं फोर्थ कॉर्नर जो है यहाँ नहीं करना है, आपको जो थ्री कॉर्नर्स हैं यहाँ आपको जस्ट स्केच पेन से इस तरह से ब्लैक कलर से ड्रॉ कर देना है आपको दोनों थंब पे। तो इससे आपको जो दांत में जो दर्द हो रहा है उससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। और ये कलर आपको ज़्यादा देर लगा कर नहीं रखनी है, आपको ये कलर सिर्फ आधे घंटे से 40 मिनट के लिए लगा कर रखनी है शुरू में, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। और तो इसीलिए कलर आप जब भी यूज़ करें तो 40 मिनट से लेकर एक घंटे उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। तो आपको जस्ट ऐसे अप्लाई करना है अपने स्केच पेन को, ब्लैक स्केच पेन को, और आप देखोगे कि आपको बहुत ही जल्दी आपको दांत के दर्द में रिलीफ मिल गया है। और मैं आपको एक होम रेमेडी भी बताती हूँ कि अगर आपको कभी दांत में वैसा कहीं पर भी दर्द हो तो आप जरा सी गोल मिर्च ले लें और ज़रा सा उसमें सेंधा नमक ले लें। ओके, आप थोड़ी सी गोल मिर्च ले लें और थोड़ा सा सेंधा नमक ले लें और दोनों को साथ में मिक्स कर दें, और मिक्स करके जहाँ आपको दर्द हो रहा है, जिस भी आपको टीथ में दर्द हो रहा है, जिस भी दांत में दर्द हो रहा है, वहाँ उसको उसकी एक लेप जैसी लगाकर छोड़ दें, तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बात की दांत के दर्द के लिए कि हम उसे किससे कैसे आसानी से उसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी अगर आपको डेंटल आपको ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको थोड़ी बहुत दर्द है तो आप इसे इस कलर को अप्लाई करेंगे तो इसे आपको बहुत आराम मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हल्के सी गोल मिर्च और हल्का सा आप सेंधा नमक लेकर उस जगह में अप्लाई करें तो आपको आराम मिल जाएगा। पर आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो अब आपसे नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने जो भी नियरेस्ट आपके डेंटिस्ट है आप उनसे जाकर मिले और उनकी कंसल्टेंसी ले ताकि वो क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, हर जगह ये सब तो काम बहुत ही करता है, बहुत इफ़ेक्टिव भी होता है, पर कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ हमें डॉक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ में लापरवाही ना करें। अगर आपको दर्द है तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और इसके कोई उतने साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो अगर आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप डॉक्टर के पास जाकर मिल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और इस
वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।